तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 100 मार्क्स हिंदी के चैप्टर नंबर 1 जो है कड़वक के पार्ट 2 देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम लोग कड़वक 1 को अर्थ स्पष्ट कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो कड़वक 2 है उसमें जो मलिक मोहम्मद जायसी है वे सबसे पहले पंक्ति में क्या कहते हैं इसको समझना है। तो आप अच्छे से समझिए, देखिए कहते हैं, मुहम्मद यदि कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रकत कै लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। तो दोस्तों, जो यह पंक्ति दिया गया है, अगर परीक्षा में आपको इसी तरह का पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करने के लिए आएगा तो आपको इसी तरह से लिखना है जिस तरह से नीचे लिखा गया है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो यह पंक्ति है कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, जो यह पंक्ति है वह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत से ली गई है, जिसमें कवि कहते हैं कि मैंने इस कथा को, अर्थात जो पद्मावत जो काव्य है उस कथा को मलिक मोहम्मद जायसी ने जोड़कर सुनाया है। दोस्तों, जब आप देखे होंगे जो घर बनता है यानी मकान बनता है तो उसमें ईंट को जोड़ जोड़ जोड़कर मकान बनाया जाता है, उसी तरह कवि ने जो पद्मावत जो काव्य है उसको जोड़ जोड़कर रचना को पूरा विकास किया, यानी पूरी रचना को रचे हैं। और कवि कहते हैं कि और जिसने भी इसे सुना है, अर्थात जिसने भी पद्मावत जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचना, उसको जिसने भी सुना है उसे प्रेम का पीड़ा का अनुभव हुआ है। और दोस्तों, जो भी इस रचना को सुना है उसको प्रेम के पीड़ा के बारे में अनुभव हुआ है कि प्रेम क्या है और प्रेम में कितना पीड़ा होता है। फिर कवि कहते हैं, मैंने काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा और गाढ़ी प्रीति की आंसुओं की जल में भिगोया है। और दोस्तों, जो मलिक मोहम्मद जायसी है वह पद्मावत की रचना के लिए अपने रक्त को लेई की लगाकर जोड़ा, यानी अपने रक्त की लेई बनाकर उसे रचा, यानी उसे जो पद्मावत उसकी रचना किए हैं। और गाढ़ी यानी गाढ़ी प्रीति की आंसुओं की जल में भिगोया है। और पद्मावत की रचना के लिए मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने बहुत सारे आंसुओं की जल में भिगोया, यानी अपने बहुत मेहनत किए हैं पद्मावत को रचने के लिए, अपने आंसुओं को भिगोया है इसे पद्मावत रचना को उसको रचने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा इस पंक्ति का अर्थ। दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत रचना है उसको अपने रक्त की लेई लगाकर जोड़ा, यानी अपने रक्त की लेई लगाकर रचा है और अपनी आंसुओं की जल से उसे भिगोया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितने मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना के लिए मेहनत किए थे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पंक्ति की ओर। तो दोस्तों, नेक्स्ट पंक्ति में मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, औ मन जानी कवित अशकिन्हा, मकु यह रहे जगत मन चिन्हा, कहाँ सोरतन सेनी अस राजा, कहाँ शुभा अस बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राधव जय किन्ह बखानु, कह सुरूपु पदुमावती रानी, कोई ना रहा जग रही कहानी। तो दोस्तों, जो यह पंक्ति है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, इस पंक्ति का अर्थ हम लोग देखते हैं, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको इसी तरह से लिखना है। तो दोस्तों, कवि मोहम्मद यानी मलिक मोहम्मद जायसी हैं कहते हैं कि इस संसार में मरने के बाद, यानी जो इस संसार में जब मलिक मोहम्मद जब तक हैं उसके मरने के बाद शायद ही यह संसार में यादगार के रूप में रहेगा। दोस्तों, जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं उनकी याद जो है, उनको याद को कोई भी लोग मरने के बाद मलिक मोहम्मद जायसी का याद नहीं रहेगा, लेकिन उसके द्वारा जो रचा गया, यानी जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो रचा गया जो काव्य है उनके काव्य को सब लोग याद रखेगा, उसी को बारे में यहाँ पे बताते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि मैंने यह विचार किया है कि यह शायद मेरे मरने के बाद संसार में यह मेरी यादगार के रूप में रहे, वह राजा रतन सेन अब कहाँ, कहाँ है वह बुद्धिमान सुआ जो राजा रतन सेन के मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न की, कहाँ है सुल्तान अलाउद्दीन और कहाँ है राधव चेतन जिसने अलाउद्दीन के सामने पद्मावती का रूप वर्णन किया, कहाँ है वह पद्मावती रानी, कोई भी इस संसार में नहीं रहा, केवल उनकी कहानियाँ बची हुई है। दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी का कहना है कि संसार में आज राजा रतन सेन जो बुद्धिमान जो सुवा था वह नहीं रहा, सुल्तान अलाउद्दीन, रानी पद्मावती यह सभी नहीं रहा, लेकिन उसके द्वारा जो रचा गया जो काव्य है जो कहानी है वही इस संसार में इस पृथ्वी पर रहा है और इसी को लोग पढ़कर उनके याद को जानते हैं, यानी उनको याद को याद करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पंक्ति को।
तो दोस्तों नेक्स्ट पंक्ति में यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, धनी सो पुरुख जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि वह व्यक्ति धन है, अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि वह जो मनुष्य यानी वह जो पुरुष है वह धन है, जिसकी कृति यानी जिसकी रचना जिसकी प्रतिष्ठा इस संसार में है उसी तरह रह जाती है, यानी जिस तरह व्यक्ति का जो प्रतिष्ठा है जो कृति है इस संसार में रह जाती है, जिस तरह फूल यानी जो फूल होते हैं उसको मुरझा जाने पर उसकी जो खुशबू है वह नष्ट नहीं होती, यानी जो जब फूल मुरझा जाती है लेकिन उसकी खुशबू नष्ट नहीं होती है और वही संसार में रह जाती है, उसी तरह किसी व्यक्ति का जो कृति है जो प्रतिष्ठा है वह इस संसार में रह जाता है और वह नष्ट कभी नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पंक्ति को। नेक्स्ट पंक्ति में मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, के न जगत जस बेचा, के न लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी वह सब रहे दुई बोल। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं इस पंक्ति में कि यश यानी जो यश होता है उसको किसी नहीं न बेचा है और नहीं कोई खरीद सकता है, अर्थात हम लोगों का जो यश है वे हम लोग नहीं बेच सकते हैं, जैसे हम लोगों का पास जो बुद्धि है उसको हम लोग नहीं बेच सकते हैं और उसको कोई खरीद नहीं सकता है, उसी तरह यह संसार में यश को न कोई बेचा है और न ही कोई खरीदा है। कभी कहते हैं कि जो मेरे कलेजी की खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें दो शब्दों में याद रखेगा। और दोस्तों जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचा गया जो पद्मावत कहानी है वह क्या चीज़ से रक्त के यानी खून से रचित है, और जो भी उस कहानी को पढ़ेगा अर्थात जो भी व्यक्ति उस कहानी को पढ़ेगा वह मलिक मोहम्मद जायसी को दो शब्दों में याद जरूर रखेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा इस पंक्ति का आंसर। तो दोस्तों अगर आपको सभी पंक्ति का आंसर समझ में आ गया होगा तो आप सभी को नोट बना लीजिएगा और आपका परीक्षा में अर्थ स्पष्ट करने के लिए आएगा तो आपको इसी तरह से लिखना है कि यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत से ली गई है, जिसमें कवि कहते हैं कि यश न किसी ने बेचा है और न किसी ने खरीदा है, और कवि का यह मानना है कि जो कवि का कलेजे के खून से जो रचित कहानी है वह जो भी व्यक्ति पढ़ेगा वह मलिक मोहम्मद जायसी को दो शब्दों में याद जरूर रखेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।